लेट कर नमाज पढ़ने का तरीका। मेरी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हुई है, जिसके बाद डॉक्टर ने मुझे सख्ती से बेड रेस्ट की हिदायत की है। क्या मैं बिल्कुल सीधा लेट कर नमाज पढ़ सकता हूँ और क़िबले की तरफ कैसे रुख किया जाएगा? नौमान साहेब, लाहौर से। पहले तो आप दिल से दुआ है, अल्लाह आपको जल्द से जल्द शिफाए कामिल आजिल अता फ़रमाएँ और अल्लाह आपको नमाज का और हौसला अता फ़रमाएँ कि इस बीमारी में भी आपको नमाज याद है। तरीक़ा ये है कि आप किसी के ज़िम्मे लगाएँ आपको वज़ू करा दे लेटे लेटे, और अगर कोई ना कराने के लिए तैयार हो, ख़ुद भी ज़रा भी हरकत ना कर सकते हो वज़ू के लिए, कोई दूसरा भी नहीं करा सकता, तो फिर तयम्मुम कर लें। और फिर नमाज आपने ऐसे पढ़नी है कि आप अपने पांव क़िबले की तरफ करें और सर जो है थोड़ा सा उठा के क़िबले की तरफ कर लें, और फिर गर्दन के इशारों से आप नमाज पढ़ें। अगर कमर हिलाना आपके लिए मुमकिन नहीं है, रुकू में आपने थोड़ा सा गर्दन झुका दी, सजदे में थोड़ी सी और ज़्यादा झुका दी, और क़याम में आपने गर्दन इस तरह से बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में रखी, तो इस तरह आपकी नमाज़ इंशाअल्लाह अदा हो जाएगी। अल्लाह आपको नमाज का पाबंद बनाए और जल्द से जल्द अल्लाह आपको शिफा अता फ़रमाए।